छोटा बाइक ट्रैक्टर खेती। कालू श्यामपुर गांव में अपने पिता के साथ रहता था। उसकी माता का देहांत हो गया था। माता के देहांत के बाद कालू बहुत ही बिगड़ गया था, क्योंकि उसके पिता सुबह सुबह शहर में काम पे चले जाते थे और उनके जाने के बाद कालू पूरे गांव में आवारागर्दी करता था, इधर उधर घूमता रहता था और बच्चों के साथ शरारतें किया करता था। उसके पिता को रोज घर आते ही उसकी शरारतों की कंप्लेंट मिलती थी। एक दिन जब उसके पिता घर आए तो गांव का एक आदमी कालू के कान पकड़ते हुए उनके पास आया। अरे श्याम शरण, समझा ले अपने बेटे को, बहुत बिगड़ गया है आजकल ये। अरे भाई चंद्र प्रकाश, क्या हो गया, क्या कर दिया मेरे बेटे ने? अब क्या कर दिया, ये मेरे बेटे की बाइक चुरा कर भाग रहा था। ये तो तुम्हारा लिहाज किया, वरना मैं इसे आज पुलिस में बंद करवा देता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश भाई, मैं इसे समझाता हूँ। क्यों रे नासपिटे, अब क्या करेगा, अब थाना क्या मुंह दिखाएगा क्या हमें? ऐसा कहकर कालू के पिता उसे डांटने लगे। चंद्र प्रकाश उसे वहां छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद कालू के पिता ने उससे कहा, बेटा तू ऐसे मुझे कब तक तंग करता रहेगा, कुछ तो शर्म कर। किस चीज की कमी रखी है मैंने तुझे, जो चाहे वो तुम्हें देता हूँ। अपने पिता की बात सुनकर कालू ने कहा, पिताजी मुझे एक बाइक चाहिए, बस मुझे एक बाइक दिला दीजिए, फिर मैं किसी को तंग नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर तूने किसी को तंग किया तो मैं तुझे खुद पुलिस में बंद कर दूंगा। अगले दिन श्याम शरण कालू को एक नई बाइक लाकर दे देता है। बाइक देखते ही कालू बहुत खुश होता है और सारा दिन आवारा बाइक में घूमने लगता है। एक दिन जब श्याम शरण काम से वापस आ रहा था तभी उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी दोनों टांगे फ्रैक्चर हो जाती हैं। अब वो किसी काम करने लायक नहीं बचा था। बिस्तर पर लेटे लेटे श्याम शरण ने कालू से कहा, बेटा कालू मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को तो बना दे। क्या कहा, खाने को? और मैं, मुझसे नहीं बनता खाना वाना, होटल से लाकर दे देता हूँ, लाओ पैसे दो। अब उन दोनों का ऐसे ही गुजारा होने लगा। धीरे धीरे उनके पैसे खत्म हो गए, क्योंकि जो पैसे बचे थे वो श्याम शरण के इलाज में और बाहर से खाना खाने में खत्म हो गए थे। अब कालू को धीरे धीरे घर की हालत समझ आने लगी थी। एक दिन जब उसने अपने पिता से पैसे मांगे तो श्याम शरण ने कालू से कहा, कहाँ है पैसे बेटा मेरे पास? अब तो एक काम कर, तू खुद भी जहर खा ले और मुझे भी जहर दे दे। अपने पिता से ऐसी बात सुनकर कालू बहुत शर्मिंदा हुआ और ऑनलाइन कुछ काम देखने लगा। तभी अचानक उसने ऑनलाइन देखा कि कैसे एक बाइक में ट्रैक्टर के हल लगाकर खेती की जा सकती है। कालू को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। कालू ने अपने दोस्त मिस्त्री श्याम के पास जाकर अपनी बाइक में मिनी ट्रैक्टर वाले हल लगवा लिए थे। अब उसकी बाइक एक खेती करने वाला मिनी ट्रैक्टर बन गया था। अब कालू लोगों के खेतों में हल चलाने लगा, क्योंकि जिन लोगों के खेत छोटे थे और जहां ट्रैक्टर नहीं जा सकता था वहां पर बाइक वाला हल चलाकर बहुत अच्छे से काम होने लगा। कालू का काम चल निकला, उसकी अच्छी कमाई होने लगी। अपने बेटे को मेहनत करता देख श्याम शरण बहुत खुश हुआ। वो दोनों बड़ी खुशी खुशी रहने लगे। बांस की गुलेल, स्लिंगशॉट, मछली पकड़ना, ये कुछ साल पहले की बात थी। सारंगपुर नाम का एक गांव था, वहां पर ज्यादातर लोग गांव के तालाब से मछली पकड़कर अपना जीवन गुजारते थे। लेकिन कुछ दिन से एक भी मछली जाल में नहीं लगने लगी, क्योंकि उस तालाब में सारी मछलियां बहुत बड़ी हो जाती हैं और जब जाल में फंसे तो जाल को काट कर निकल जाने लगे। एक दिन कुछ मछुआरे इकट्ठे हुए और आपस में बात करने लगे। अरे यार, आजकल कोई भी मछली नहीं लग रहा है। हाँ यार, आप ठीक बोले, मेरे घर में अच्छे से खाना खाकर 3 दिन हो गए, बच्चे भूखे हैं, इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तभी उनके मछुआरों का नायक आके ऐसे बोले, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो सारे समस्याओं का हल निकालता है, उसका नाम सूरज है। वह बहुत पढ़ा लिखा और हम जैसे गांव वालों को सहायता करता है, मैं जाकर उसे लेके आता हूँ। ऐसा बोलकर उनका नायक सूरज के पास जाकर उनकी समस्या के बारे में बोले। तभी सूरज उसके साथ सारंगपुर आकर सभी मछुआरों से मिलता है। अरे गांव वालों, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है,
मछलियाँ बड़े होने के कारण जाल को काट रहे हैं, लेकिन मेरे पास बड़े मछलियों को पकड़ने के लिए बांस का एक गुलेल है। उस गुलेल से तीर मारकर बड़े बड़े मछलियों को आसानी से शिकार कर सकते हैं। ऐसा बोलकर सूरज ने सबको मछलियाँ पकड़ने का तरीका सिखाता है। जैसे ही निशाना देखकर गुलेल को चलाया, तीर सीधा जाकर मछलियों को लगने लगे और आसानी से मछलियाँ पकड़ रहे थे। उस गुलेल से सारी मछुआरे भी बड़े बड़े मछलियों को पकड़कर बाजार में बेचने लगे। लेकिन ये बात जब उस गांव के सेठ को पता चला, वह तुरंत तालाब के यहाँ आता है। अरे नालायको, आपको किसने ये बांस का स्लिंगशॉट दिया? आपको उस तालाब में मछलियाँ पकड़ना नहीं चाहिए। वह तालाब मेरी पुरखों की जमीन है, वह अभी मुझे चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। अरे सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, ये तालाब ही हमारा आधार है, इसको हमसे मत छीनिए। पहले ये बोलो, किसने आपको ये गुलेल चलाना सिखाया है? सभी लोग सूरज के बारे में बोलते हैं। तभी सेठ उनके आदमियों के साथ सूरज के पास गया और उसको धमकी देने लगे। क्यों रे सूरज, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुम्हें? मेरे पूरे प्लान को चौपट कर दिया? अरे ओ, मेरे मुंह क्या देख रहे हो, मारो इस सूरज को। जैसे ही सेठ के लोग सूरज को मारने के लिए आए, तभी सूरज ने उसका बांस का स्लिंगशॉट निकालकर निशाना लगाकर सेठ के आदमियों पर छोड़ता है। सारे तीर जाकर उनके पिछवाड़े पे लगे और सारे आदमी वहां से भागने लगे। उनको देखकर सेठ जी भी भाग गया और मछुआरे आराम से उस बैम्बू स्लिंगशॉट से मछलियां शिकार करने लगे। गाय का मिनी, बांस का शेड और मोटर पंप। अजय अपने माता पिता के साथ शहर में रहा करता था। उसके पिता शहर में सरकारी दफ्तर में एक मुलाजिम थे और माता स्कूल में पढ़ाया करती थी। अजय पढ़ाई के अलावा बाकी कामों में भी होशियार था। उसे नई नई चीज़ें बनाने का शौक था। अजय को गांव बहुत अच्छे लगते थे। वो हमेशा छुट्टियों में वक्त बिताने के लिए अपने पुश्तैनी गाँव में अपने दादाजी से मिलने आया करता था। एक बार भी जब छुट्टियों में अपने दादाजी से मिलने गांव आया तो उसे देखकर उसके दादाजी बहुत खुश हुए। अरे 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 अरे, आ गया मेरा बच्चा, कैसा है तू? तेरे माता पिता तो आए नहीं होंगे। नहीं दादाजी, आपको तो मालूम ही है उन्हें छुट्टी कहाँ मिलती है। चलिए ना, अब खाना खाकर नदी पर घूमने चलेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, चलेंगे नदी पे घूमने। चल पहले घर चल, खाना तो खा ले। अजय अपने दादाजी के साथ घर चला जाता है और नहा धोकर खाने बैठता है। लेकिन खाना खाते हुए उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी आज ये दूध का स्वाद कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या ये हमारी भैंस का दूध नहीं है? हाँ बेटा, आजकल हमारे गांव में एक अजीब सी समस्या पैदा हो गई है। बस गायें भैंसे चारों ओर घूमती रहती है, पानी की कमी हो गई है, तो स्वाद भला कहाँ से आएगा। अजय जब अपने दादाजी के साथ गांव में घूमने निकला तो वो देखकर हैरान रह गया। गांव में जितनी भी लोहे की चीजें थी सभी गल चुकी थी। सारे पशु गांव में इधर उधर घूम रहे थे और फसलों को खा रहे थे। गांव में पानी की कमी थी क्योंकि कोई भी पानी की मोटर चल नहीं रही थी। ये सब देखकर उसने अपने दादाजी से पूछा, अरे दादाजी इन सबकी हालत ये कैसे हो गई? अरे बेटा, वो तुम दूर देख रहे हो ना, वो एक केमिकल प्लांट है। वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उससे निकलने वाला हवा में केमिकल लोहे की सारी चीजों को जो भी बाहर हो खराब कर देता है, जिससे पशुओं के सारे शेड टूट चुके हैं और पानी की मोटरें खराब हो चुकी हैं। सरकार भी कोई उपाय नहीं निकाल पा रही है, सभी लोग परेशान है। अजय अपने दादाजी की बात को बड़े गौर से सुन रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र नदी के किनारे लगे काफ़ी सारे बांस के पेड़ों पर पड़ी। इतने सारे बांसों को देखकर अजय को एक आइडिया आया। उसने अपने दादाजी से काफ़ी सारे बांस तोड़कर अपने घर लाने के लिए कहा। उसके दादाजी ने उसकी बात मान ली और दो मजदूरों को बोलकर काफ़ी सारे बांस अपने घर मंगवा लिए। अगले ही दिन अजय उसे कुछ बनाने लगा। उसने देखते ही देखते गाय भैंसों को बांधने के लिए बांस का एक मिनी शेड बनाया, जिसमें अपने दादाजी की गाय और भैंसों को बांध दिया। और उसने दादाजी की जमीन पर बांस का एक बोरवेल किया और उसमें बांस से बना एक पंप बनाया, जिससे पानी बाहर निकलने लगा।
अब उसके दादाजी की दोनों समस्याएं दूर हो गई थी। एक तो पानी मिलने लगा था और दूसरे पशुओं को बांधने के लिए शेड बन गया था। ये देखकर दादाजी बहुत खुश हुए। अरे वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, ये बांस तो केमिकल से गलेगा भी नहीं। दादाजी ने सभी गांव वालों को बांस से बना मिनी गाय का शेड और मिनी मोटर पंप दिखाया। गांव वालों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने अजय से रिक्वेस्ट करके अपने लिए मिनी पंप और गाय का शेड बनवाया। अब पूरे गांव की सूरत बदल चुकी थी। सारे पशु शेड में बंद थे और गांव के खेतों और लोगों को पानी फिर से मिलने लगा था। छुट्टियां खत्म होते ही जब अजय शहर जाने लगा तो सभी गांव वालों ने उसका धन्यवाद किया।